नोट पर कब और कैसे आए महात्मा गांधी? क्या उनकी तस्वीर को हटाया जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे खबर इन डेप्थ के इस एक्सप्लेनर वीडियो में। नोटों पर गांधी जी की तस्वीर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कुछ कहते हैं कि नोटों पर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीर हो लेकिन बाकी नोटों पर दूसरे महापुरुषों की भी तस्वीर छपनी चाहिए। पर ऐसा क्या हो सकता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आजादी के बाद कई सालों तक नोटों पर अशोक स्तंभ या दूसरे प्रतीक छपते रहे थे। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला ही इसीलिए लिया गया था क्योंकि उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। माना जाता है कि गांधी जी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर को छापा जाता तो इससे विवाद और विरोध हो सकता था। यही वजह थी कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया। नोटों पर महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी महापुरुष की तस्वीर छापी जाए, इसे लेकर केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी RBI की एक कमेटी का गठन किया गया था। नवंबर 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बताया था कि RBI की कमेटी ने महात्मा गांधी की बजाय दूसरे किसी नेता की तस्वीर ना छापने का फैसला लिया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति गांधी जी से ज्यादा देश के स्वभाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसी साल जून में नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की खबरें चल रही थीं। RBI ने इसका खंडन कर दिया था। RBI ने बयान जारी कर साफ किया था कि अभी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भारत में नोटों का क्या इतिहास है? भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। तब तक रिजर्व बैंक प्रचलित करेंसी नोट ही जारी कर रहा था। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट छापे गए। इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई। 1953 में नोटों पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। फिर 1954 में 1000, 2000 और 10000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए लेकिन 1978 में इनकी नोटबंदी कर दी गई, यानी इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। जब पहली बार छपी गांधी जी की तस्वीर 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था, पीछे सेवा ग्राम आश्रम छपा था। 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया। 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं, 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन छापे गए। 1996 में आई नोटों की नई सीरीज। 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए करेंसी नोट जारी किए। वाटरमार्क भी बदले गए। इसमें ऐसा फीचर भी जोड़ा गया जिससे नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सकें। 9 अक्टूबर 2000 को RBI ने 1000 रुपए का नोट जारी किया। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई। महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इसके बाद 2000 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई। नोट पर गांधी जी की जो तस्वीर छपी है वो कब की है? अक्सर मन में सवाल आता है कि नोट पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर छपी है वो कब की है। ये तस्वीर 1946 में खींची गई थी। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस विक्ट्री हाउस में आए थे।